मैं आईपीसीएल टीम इंडिया को बहुत मुबारक देता हूं इस जीत की, और जितनी भी बाकी टीम्स थी हमारी यूएई से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बहुत ही उम्दा खेले, बहुत ही स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली, तालमेल देखने को मिला, और ये मौका जो हमें इन सबको मिलने का देखने का मिला उसके लिए मैं ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पूरे टूर्नामेंट को चार चांद लगाने के लिए हमारे जो कुछ स्पॉन्सरर्स थे, जिनमें खास करके शमीम साहब का टाइफा अवार्ड्स, उनको आना था लेकिन वो नहीं आ पाए किसी कारणवश। हमारे मेंटर भी हैं वो, आईपीसीएल के कर्ता धर्ता भी हैं वो, और ग्लोबली इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके जाने के लिए भी शमीम साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो मैं उनको भी थैंक यू करता हूँ। मैं अपने छोटे भाई जुनेद का भी बहुत थैंक यू करता हूँ, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से टीम को तैयार किया। जयनाथ जी को मैं, हमारे जो कैप्टन रहे, हमारे लिए एक लकी चाम की तरह रहे, उनका भी थैंक यू करता हूँ। हमारे बहुत जो स्पॉन्सरर्स, खास करके संचार शक्ति, फिर राज वेंचर्स, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारे इस पूरे कार्यक्रम को, जो कि हम ये चाहते हैं कि स्किल डेवलप करके, खेल को बढ़ा के बच्चे अलग अलग कंट्रीज से इस लीग के अंदर पार्टिसिपेट करते रहें। तो मैं अपने स्पॉन्सरर्स का भी शुक्रिया अदा करता हुआ सारी टीम को फिर से मुबारकबाद देता हूं। एक एक खिलाड़ी ने अपना बहुत बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट किया, बैट्समैन ने अपना रोल अदा किया, बॉलर ने अपना रोल अदा किया, और एज अ टीम आपने जो फील्डिंग दिखाई बहुत ही उम्दा थी। वंस अगेन हमारे आकाश साहब को कैसे हम भूल सकते हैं, इन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान जो हमें हौसला अफजाई दी, जो कॉपरेशन दिया, थैंक यू वेरी मच। विल कीप ऑन मीटिंग, विल कीप ऑन विनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।